तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे बैंक निफ्टी में आज 500 पॉइंट कैप्चर किया, और मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैप्चर किया। तो देखिए, अगर आप आज हमारे लाइव में होंगे, लाइव में साथ होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने कैसे कैसे कैप्चर किया। लेकिन अगर आप हमारे साथ लाइव में नहीं थे, तो मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, और प्रूफ यही है कि आप लाइव में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था और कहाँ का एक्सेल बताया था। विद प्रूफ आप देख सकते हैं, वहां पे प्रूफ आपको पता लग जाएगा। तो चलिए, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया और कैसे ट्रेड लिया। तो देखिए, सबसे पहला ट्रेड आज का हमारा ये वाला ट्रेड है, जिसमें हमने 400 पॉइंट कैप्चर किया, और ये एक ट्रेड है जिसमें हमने 77 पॉइंट लॉस किया, और ये एक ट्रेड है जिसमें हमने 200 पॉइंट कैप्चर किया। तो ये सारे ट्रेड हमने क्यों लिए, कैसे लिए, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला ट्रेड के सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हो गया, पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मैं रात को एनालाइज किया कि अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है, तो हम कल इसमें पुट की पोजिशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज किया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली मैं अपनी, लेकिन और इसके ऊपर का एसएल लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, मैं यहाँ पे लाइव नहीं था, तो मैं लाइव नहीं था तो मैं ये ट्रेड नहीं दे पाया। लेकिन फिर क्या हुआ, ये एक 15 मिनट का रेंज बना, मैं आपको 15 मिनट के पे करके एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए, ये एक 15 मिनट का रेंज बना एक कैंडल, और उसी कैंडल के बीच में दो कैंडल बन गया। तो जैसे ही फिर इसका लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर सब लोगों को एंट्री दिया। अगर आप लाइव में थे तो आपको पता होगा। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है, और फिर ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा था जिसका कि ब्रेकडाउन हो गया था। तो दोनों चीजों को मिला करके, कंबाइंड करके, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया जिसका फर्स्ट टारगेट था 250 का, 41,250 का। सेकंड टारगेट था 41,150 का, और थर्ड टारगेट था 41,050 का, और फोर्थ टारगेट था 40,950 का, जो कि सारे टारगेट हिट हुए। वो अगर आप लाइव में होंगे तो आपको पता होगा। फिर मैंने ये वाला ट्रेड क्यों दिया, तो देखिए 41,950 के नीचे फिर मैंने बोला कि आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं कैंडल क्लोज करने के बाद। तो यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, फिर इसका रिटेस्ट करना आया, तो हमने लोग ने यहाँ पर एंट्री बनाई। उसके बाद इसमें हमें एसएल हिट हो गया। फिर मैंने यहाँ पर एंट्री दिया, तो यहाँ पर एंट्री क्यों दिया भाई, तो उसके पीछे का लॉजिक मेन चीज ये है। ये चीज अगर आप सीख गए तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये जो एंट्री दिया मैंने फिबोनाची को यूज करके दिया, तो यहां से मैंने फिबोनाची उठाया और यहां तक लगा दिया। ये लगाने के बाद इसका जो गोल्डन जोन था, मैं इस तरह से कई बार ट्रेड करता हूँ दोस्तों, तो ये इसका गोल्डन जोन है। अगर आपको फिबोनाची के बारे में नहीं पता है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिबोनाची का जो सेटअप है उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो जब इस जोन में आता है, तो हम यहाँ पर बाइंग करते हैं, वो आपको पता लग जाएगा अगर आप वो वीडियो देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आया, मैंने बाय कर लिया, और इसका जो एसएल लगता है वो 71 पॉइंट का लगता है, ये 71 पर, यहाँ पे ये वाले लाइन के पास। तो मैंने यहाँ पर एसएल लगा करके, यहाँ पे एसएल कितने का था, 35 पॉइंट का एसएल लगा करके यहाँ पर एंट्री दिया। और कई सारे लोग लाइव में है थे जो एंट्री भी लिए। अगर आप लाइव में नहीं थे तो कल से आप मेरा लाइव ज्वाइन कीजिए, ये हमारा लाइव है, तो आप प्रूफ देख सकते हैं वहां जाकर के। तो इसमें फिर इतना 200 पॉइंट कैप्चर हुए, मतलब 400 और 200, 600, और अगर उसमें से हम 100 माइनस कर दें तो वो 500 पॉइंट आज हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। तो दोस्तों, इस तरह से ट्रेडिंग सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।